नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विभोर गोयल है। मैं एक चर्म रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं कोटा राजस्थान में प्रैक्टिस करता हूँ, साथ में इंदौर मध्य प्रदेश में भी प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम एक खास विषय पर हम बात करेंगे जिसका नाम है अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया एक तरह की चर्म रोग की बीमारी है जिसे हम कह सकते हैं एक तरह का एलर्जिक रिएक्शन होता है। इसमें शरीर पर दाफड़ बनते हैं या सीमित क्षेत्र में चमड़ी लाल हो जाती है। ये अर्टिकेरिया के मुख्य रूप हैं। किन कारणों की वजह से होता है, ये कारण इसके प्रकार भी हैं। अब अगर हम इनके बारे में बात करें तो सबसे पहला प्रमुख कारण है किसी भी तरह का इन्फेक्शन। यदि किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है तो संभावना है हमें अर्टिकेरिया हो सकता है। यदि हम किसी भी तरह के खाने में खाद्य पदार्थ में एडिटिव्स हों, प्रिजर्वेटिव्स हों, तो उसकी वजह से भी अर्टिकेरिया हो सकता है। हम खाना ही थोड़ा सा ऐसा सी फूड, यदि कुछ लोग लेते हैं सी फूड, उसकी वजह से अर्टिकेरिया हो सकता है। दूध की वजह से हो सकता है, अंडों की वजह से हो सकता है, कई प्रकार से हो सकता है। इसके अलावा यदि किसी को पहले से कोई लंबी बीमारी चल रही है उसकी वजह से भी अर्टिकेरिया हो सकता है। धूप में यदि कोई व्यक्ति निकले उसमें भी अर्टिकेरिया हो सकता है, जिसे हम सोलर अर्टिकेरिया कहते हैं। एक तरह का अर्टिकेरिया है जिसे कहते हैं हीट अर्टिकेरिया, गर्मी की वजह से अर्टिकेरिया होना। यदि हम गर्म वातावरण में हैं तो अर्टिकेरिया हो जाता है। कुछ लोगों को इसी का दूसरा प्रकार है कोल्ड अर्टिकेरिया, यदि ठंडे वातावरण में रहें तो उसकी वजह से अर्टिकेरिया हो सकता है। एक प्रकार का अर्टिकेरिया है एक्वाजेनिक अर्टिकेरिया, जिसमें यदि शरीर पर पानी की बूंद या पानी हम इस्तेमाल करें शरीर पर, तो उसकी वजह से अर्टिकेरिया हो सकता है। तो इस तरह से कई अलग अलग प्रकार के अर्टिकेरिया हैं। इनको हम ऐसे ही समझें कि एक तरह का एलर्जिक रिएक्शन है। एलर्जिक रिएक्शन में हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है जिसकी वजह से हम इन रिएक्शंस को, इन बीमारियों को हम कम रख सकते हैं। वही चीज़ें इनका एक तरह से रोकथाम भी होता है, एक तरह से इनका इलाज भी होता है। इलाज के लिए सबसे ज़रूरी, हम खुद से इलाज नहीं लें, हम चर्म रोग विशेषज्ञ से मिलकर के ही, उनसे बात करके ही हम कुछ इलाज लें। और इलाज में एक सबसे अच्छी बात, सबसे ज़रूरी बात ये होती है, हम अगर सात्विक भोजन करें, नियमित में हम सात्विक भोजन यदि हम करते हैं तो उससे हम अर्टिकेरिया की रोकथाम काफ़ी हद तक कर सकते हैं। हम सात्विक भोजन करें, फल फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स हम ज़्यादा से ज़्यादा लें, पानी का सेवन ज़्यादा होना चाहिए। जिनको हार्ट की शिकायत है या किडनी की शिकायत है उनमें पानी का सेवन कम रहता है, नहीं तो वैसे आम तौर पर पानी का सेवन ज़्यादा होना चाहिए। सात्विक भोजन हम ज़्यादा से ज़्यादा लें। कपड़ों में हम सूती कपड़े यदि इस्तेमाल करते हैं तो हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं। अर्टिकेरिया, मैं फिर वापस कहूँगा, एक तरह का एलर्जिक रिएक्शन है, कुछ समय के लिए रहता है, तो हम इसको दवाइयों से रोक सकते हैं। और यदि वापस नहीं आए, उसके लिए जो बातें मैंने बताई उनका हम पालन करें। इसका एक सीवियर फॉर्म, जिसे हम एंजियोइडिमा कहते हैं, वो इसका सीवियर फॉर्म है। अर्टिकेरिया में सिर्फ त्वचा की ऊपरी सतह पर ही हल्का सा लालपन, दाफड़ जैसा आता है। एंजियोइडिमा में सूजन आती है, वो कितनी अंदर तक सूजन है नहीं कह सकते, लेकिन एंजियोइडिमा इसका सीवियर फॉर्म है। इसका सीवियर फॉर्म हम अगर ऐसे समझें, कुछ लोगों को एंजियोइडिमा में सांस लेने में तकलीफ़ हो जाती है, तो वो एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है जिसमें हमें मरीज़ को भर्ती करना ज़रूरी होता है, जिसमें हमें उन्हें दवाइयों से ही ठीक करना है, ऐसा ही संभव होता है। तो इसलिए एंजियोइडिमा, अर्टिकेरिया, हम इनसे बचना चाहें, हम ध्यान रखें, सात्विक भोजन रखें अपने खाने में, पानी का सेवन थोड़ा सा ज़्यादा रखें, सूती कपड़े पहनें, धूल मिट्टी से बचें। यदि हम बाहर निकलते हैं तो अपना चेहरा, हमारा शरीर पूरी तरह से ढका हुआ हो, वो ज़्यादा बेहतर है। और यदि कोई आपको बीमारी है, बीमारी का इलाज करवाएं, तो उसकी वजह से जो अर्टिकेरिया बनने की क्षमता थी वो हम उसको रोक सकते हैं। इस तरह से हम अर्टिकेरिया और एंजियोइडिमा का इलाज कर सकते हैं, जो कि संभव है। यदि हम अपने आप से, खुद से इलाज करें वो चीज़ ठीक नहीं है, तो नियमित तौर पर आप एक डॉक्टर से मिलें, डॉक्टर से, चर्म रोग विशेषज्ञ से मिलकर के ही इसका इलाज लें। धन्यवाद।